चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सारी तो 12 पटन लग रही है हमारी। कौन सी सुरक्षा है? बहु बेटी जो हमारी रोड पर जहाँ वे परेशान है। देखो किसानों की पार्टी है, किसान संबंधी बात करते हैं। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, क्या करेंगे हम उसमें? सीसी में आप सभी का स्वागत है। देश में जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के लोयन मलकपुर गांव में हैं और हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं। हम गांव के लोगों से बात करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन लोगों की क्या राय बन रही है। जी आपका नाम? राम कुमार। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो बागपत सीट का क्या रुझान लग रहा है इस बार? आप लोकदल का ही है सब। क्या पसंद आ रहा है लोग? लोकदल ही कर रहे हैं। आज जो कुछ बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, हमारे पेमेंट किसानों की सारी समस्या, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, पूरे साल का पेमेंट रुक रहा, सारी समस्या ही समस्या है। 14 दिन में पेमेंट कैसा आज लोग हुआ नहीं। लेकिन लगातार देख रहे हैं कि 2014 में भी 19 में भी बागपत जो कि सेफ सीट मानी जाती थी रालोद की, वो लगातार दो चुनाव हार रहे हैं, ये क्या कारण है इस बार? तो हार का कारण तो ये है कि बेईमाना हो रहा, वैसे वोट थोड़ी पड़ रही है, बेईमाना कर रहे सरासरी। रात को वोटिंग करते हैं, दिन में वोटिंग करो कहाँ हार पाऊंगा, दिन में वोटिंग हो पाए। लाइट भगा दी, जनरेटर बंद कर दिए हमारे, देख हम वहीं थे उस टाइम पे जब लाइट भगा दे गए, जनरेटर बंद कर दिया 19 के चुनाव में। हाँ हाँ, तो कहाँ फिर जीत पाओगे? लेकिन आप कह रहे हो कि सुन, बैल्ट पेपर तय करवाओ, बैल्ट पेपर से वोटिंग करवाओ, जब देखना क्या होगा। लेकिन इस बार भी अगर फिर से आप कह रहे हो कि रालोद को पसंद करें, लेकिन फिर से अगर वही घटना दोबारा से हो गई तो कभी मुझे नहीं लगता शायद यहाँ से जीत पाएगी। नहीं नहीं, अब के बार जीतेंगे, अब के और ज़्यादा मेहनत करेंगे। देखो किसानों की पार्टी है, किसान संबंधी बात करते हैं, तो हम तो जो किसान की बात करेगा उसी के साथ में रहेंगे। हमें 14 दिन पेमेंट कहते हैं, सरकार ने को 14 दिन पेमेंट करवा देंगे, हम पूरे साल का पेमेंट रुक रहा है, पूरे साल का पेमेंट रुक रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हितों में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, तो क्या सम्मान निधि की टाल कर दो और पेमेंट दुआ दो। आपका कौन सा मील लगता है यहाँ? हमारा मलकपुर मील लगा। कितना पेमेंट उनका रुका हुआ है अभी? कितना कुल सारा रुक रहा, 1.5 महीने का पेमेंट आया पिछला और बाकी सारा रुक रहा। अच्छा, जैसे 5 महीने का जैसे बिजली फ्री का ऐलान किया गया था किसानों के लिए, उस पर कितना काम हो रहा है? बिजली फ्री कहाँ है, बिजली तो आधा बिल दे रहे जी। आपका नाम? जी आपका नाम? राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर सिंह जी, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार यहाँ से? आपको कौन ज्यादा मजबूत दावेदारी नजर आ रही है इस बार? लोकदल आएगा जी यहाँ से। लेकिन बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं किया बिल्कुल ही। एक तो बहकावे में ले लिए भाई, बच्चों की नौकरी निकाल लेंगे, ना तो कोई नौकरी निकाल ली, सब फ्रॉड कर दिया आज तक, ना तो कैंसिल कर दे जो पहले थे कैंसिल, ना पेमेंट दिया, 14 दिन पेमेंट दिलवा थे, ब्याज दिलवा थे, कुछ भी नहीं करा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जब से हमारी सरकार आई है देश में सुरक्षा सबसे ज़्यादा है हो रही है। कहीं की सुरक्षा? सारी तो 12 पटन लग रही है हमारी। कौन सी सुरक्षा है? बहु बेटी जो हमारी रोड पर जहाँ वे परेशान हैं, उन्हें क्या कोई सुरक्षा मिल रही है यहाँ पर? उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। और एक हाँ, एक तो मान लिया हम समस्या हल करी इन्होंने, जैसे पहले हमारे यहाँ ये पुलिस वाले 100 रुपये में काम करते थे, ये भी 1000 रुपये ले हुए हैं। भाजपा सरकार है, पता नहीं आगे पैसा देना हमें या सुरक्षा दी इन्होंने हमें। अच्छा आपसे, आपके यहाँ से सांसद है सत्यपाल सिंह जी, उनका कैसा कार्यकाल, उनको आपने कब देखा था आखिरी बार? कभी भी ना देखे। 5 साल पहले देखा था, जब चुनाव आए जब देखा था। तो आप भी देखने को मिलेंगे शायद? हाँ, वोटिंग अब वोट पड़ेगी ना, उससे पहले मिलेगी, 1 महीना पहले आएगी। हाँ, इससे पहले इतने 5 साल पूरे नहीं हो, इतने नहीं आवे। किस तरह का स्वागत होगा जब सत्यपाल? बहुत अच्छी तरह होगा, जैसे हर बार होता है ऐसे ही अब क्या करेंगे। हाँ त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का तो लोकदल के पीछे ही है, क्योंकि इसने हमारी तो सारे में इतने तो जोरे मील में गांजे गिरने का रहा नहीं। रोड ट्रोली पलटे लग रही, रोड छत पड़े लग रही है बिजलियों पर। लेकिन देश कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी सरकार आई है, भारत
पूरे भारत को मतलब बाहर विदेशों में भी जानने लगे हैं, इस तरह का विश्व गुरु बना दिया है। हमें तो कोई नहीं जान रहा ना, हमारा तो किसान का वो है पेमिट कर बिजली का वो है, कोर्ट में कुछ फ्री हो नहीं रहा, हमारा तो गांजो का इतना पेमिट मिल रहा। चलो ट्रैक्टर को कह रहे हैं कि मैं 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप सरकार की? तो पैसे की तो वही कमी हो रही, दिक्कत है, कौन चला जाएगा, खेती कर लगा कोई, बताओ। अच्छा ये भी 10 साल पुराने ट्रैक्टर किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो कहां तक वो कर लगा जी बाबा जी? ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये 10 साल चल के ट्रैक्टर ये तो खरीद जाएंगे, उनके ट्रैक्टर बिक जाएंगे, उनकी कंपनियां चल जाएंगी, इन पर लिए नहीं जानगे, इनका कर्ज बंद हो जाएंगे। ये है कहीं सुविधा? यह सुविधा कर रखी पर आवारा पशु अंडे या अंडे मानस को मारते खेतों खाते कहीं कर कंट्रोल कभी अभी? लेकिन वो तो कह रहे हैं अभी बीजेपी बीजेपी क्या खड़ा, बीजेपी क्या किया बीजेपी ने आज तक? वो तो ये कह रहे हम गौशाला बनवा रहे हैं, गौशाला बनवा रहे, गौशाला में भूखे मरने डांगर ले गया कोई पकड़ गया यहाँ से, जो कुछ है वही भूखे मर रहे। अच्छा क्या क्या कमियां हो रही है भाजपा सरकार? सारी कमी कमी है, कौन सी नहीं, झूठ के वाह झूठ के बुलंद देंगे, झूठ की दुकान है इनकी और है क्या? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई क्या चांद पे पहुंचा दिया? हाँ चांद पे मोदी ले गया था, उसी ने बनाया सब कुछ, चांद पे ले जाने वाला साइंटिस्ट वो है, अब ये वर्ल्ड कप हुआ था वही ले गया खेच के, क्यों तेरा नाम होगा क्या, तेरा प्रचार होगा, 445 करोड़ खर्च होते आगे जो ये जीत जाते वहाँ सारे प्रचार के बाद मोदी ने जिता दिए, ये है कुछ उसका। अरे वो सचिव बना रखा था, उसने बॉल भी पकड़ी हाथ में जैसा, हाँ जैसा चाहे 20 साल कोसा भी है वो बॉल पकड़ी गया हाथ तक उसने हाथ में, क्यों बना दिया भाई है कोई कुछ आना सही है के हिसाब से साफ है इस बार, साफ है। अच्छा जो बेईमानना कर ले कह रहे हैं तो बेईमानना कर ले, के बेईमानना बेईमानना का पता नहीं, अभी जो है मध्य प्रदेश में जो है 10 भी पाई नहीं पाई पुराने कब्रिस्तान में बदलने के लिए, क्यों पाई बेईमानना है क्या है, ताना सही है क्या है ये? चलो और कुछ नहीं, चलो सब काम छोड़ दो, राम मंदिर तो बनवा दिया। हाँ हम घंटे बजा करेंगे उसमें पूजा करा करेंगे, भिखारी है हम कमा कर नहीं खाना जानते, हमारा काम है वहाँ, अरे राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया क्या करेंगे हम उसमें? कह रहे हैं तैयार रहिए, तैयार रहिए, हम भिखारी हैं क्या, लाइन में लगेंगे क्या, वहाँ घंटे बजाएंगे हम वहाँ, बताओ क्या करेंगे हम वहाँ? मंदिर से क्या करना हमें, वहाँ हिंदू क्या करना उस मंदिर में जाकर, अपने गाँव में घर में मंदिर सबके हक नहीं है, हर घर में मंदिर है वहीं से पूजा कर लें, वहाँ मंदिर में पैसा लगा दो हमारा गन्ने का दो ना, हम तो अपना पेमेंट से। लेकिन राशन सरकारी राशन तो फ्री दे रहे हैं ना सरकार भाई, हम तो ये फ्री होना नहीं चाहिए कुछ भी, फ्री ना दो, फ्री का लालच ना दो किसी को भी, हमें काम दो, ये जो फ्री बांट रहे हैं ना बहुत गलत है, फ्री मत दो किसी को, मैं ना अब सुनो तो आत्मनिर्भर, ये जब नु बोले आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर कहाँ कर रही है, या बिजली है किसान को बिजली फ्री दे दो खेत में भाई, किसान को मुफ्त बिजली दे दो गांव में, अपने पैसे लो अपने, कह तो रहे तेरा की मुफ्त दे रखी, पूरा पैसा ले रहे, कहते हो बिल दिखावे तुम्हें। अच्छा पराली जला किसानों को, अगर पराली जलाते हैं तब भी केस हो रहे हैं किसानों पे पराली जलाने से? गलत हो रहा है, पराली आज से जलने लग रही है, जलती आई है तो ये कोई बात नहीं। तो अगर मान लिया सरकार कहती है कि भाई पराली मत जलाओ, तो आपके हिसाब से सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि वो पराली वहाँ से हट जाए? उसका समाधान सोचना चाहिए उनको, कोई निकाले उसका समाधान कि पराली का क्या करें हम, या उसको खरीद दो या उसका कुछ और बनाओ। वे प्रदूषण का नाम देते हैं, प्रदूषण तो बचेरी फैक्ट्रियाँ चल रही नहीं करती, बचेरी है तो फैक्ट्री बंद कर दो फिर। अच्छा इस बार बागपत से आप किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हो, रालोद से? वो कोई सा भी आ जाओ, हमें तो रालोद पार्टी से मतलब है। अच्छा कोई आ जाओ, नहीं बड़ी कोई जीत जाएगा, जिताएंगे। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के लोयन मलकपुर गांव में थे, यहाँ पे हमने जो गांव के लोग थे उनसे बात की, तो ज़्यादातर लोग जो है नाराज है अपने सांसद जी थे और बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि किसानों के हित में जो इन्होंने वादे किए थे वो काम अब तक नहीं किए हैं इन्होंने। जुड़े रहे सीसी यूपी से, खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।